ये कद्दू का मिठा सालन बना रही हूँ। देखिए फल्ली लगा के, छटाक फल्ली है, एक कोथमीर कट्टा, आधा करिया पाक है, एक डल्ली प्याज है, नमक तो अपने हिसाब से डाल लेना, एक आठ बोले तो हरी मिर्ची है, देखिए इसको पीस लेती हूँ मैं, एक चमचा अदरक लहसुन है। देखिए आगे तक मेरा वीडियो देखिए। चूल्हा सिल गई, चूल्हा सिलगा के मैं इसमें 2.5 चमचे तेल डाली। तेल गरम हो गए बाद इसमें थोड़ा करियापाक डाली। करियापाक डाल के प्याज को बारीक कट कर ली थी मैं। प्याज बारीक कट कर लेके उसको अच्छा 5 मिनट मिलाई, प्याज को लाल कर ली तेज़ चूल्हे पे। उसके बाद नमक भी हल्दी डाल रही हूँ। देखिए नमक हल्दी डाल के उसको कम से कम 2 मिनट अच्छा मिलाई, उसको लाल होने दी नमक को, और बोले तो प्याज को अदरक लहसुन को लाल होने दे के उसके अंदर अदरक लहसुन डाल रही हूँ मैं। अदरक लहसुन को भी अच्छा एक 5 मिनट मिला ली उसको, अदरक लहसुन को भी लाल करी, अदरक लहसुन को भी 10 मिनट मिले। देखिए 10 मिनट के बाद उसको क्या करी मैं, ढक्कन ढाँप दी। ढक्कन ढाँप के उसको कम से कम 5 मिनट रखी। 5 मिनट के बाद मैं कद्दू काट के बता रही हूँ। कद्दू ऐसा 3 हिस्सों में कट कर लेना। देखिए 3 हिस्सों में कट कर लिया तो अपने को छिलने के वास्ते भी बहुत जल्दी ये होता अपन को, तो बहुत जने क्या करते कद्दू पकड़ के छिलते, तो वैसा नहीं छिलना, ऐसा 4 हिस्सों में अगर छिले तो अच्छा छिले जाता कद्दू। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, लंबे लंबे पीसां कट कर रही हूँ। देखिए लंबे लंबे पीसां कट करें ना तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का होता, अपन रोटी के साथ चावल के साथ भी खाते, दालचे में जैसा डालते ना उसमें चपन। छोटे साइज़ के कट कर लेना इसको, तो ये साइज़ के कट कर लेना। देखिए मैं ये साइज़ के कट कर ली, तो मैं 10 मिनट इसको छोड़ दे के प्याज को लाल कर ली। देखिए एकदम लाल कर ले के मैं कद्दू डाल रही हूँ इसके अंदर, वो तो अच्छा है। इसको अगर अपन को ताज़ा कद्दू रहा ना तो जल्दी कट हो जाता, अगर अपने को ये ला के 1-2 दिन 3 दिन के बाद अगर अपन लोग छिले भी ना तो छिले भी नहीं जाता कद्दू एकदम, कट करने के वास्ते ना उसको परेशानी भी होती, ताज़ा कद्दू ज़रा अच्छा रहता उसको। तो मैं इसको हरी मिर्ची और बोले तो फली को पीस ली। देखिए बारीक बारीक नहीं पीसी मैं इसको, तो मोटा मोटा पीसी, उतना बारीक पीसी ना उतना मोटा पीसी, एकदम नॉर्मल पीसी। पीस के उसको क्या करी नीचे ऊपर पूरा मसालों को अच्छा मिला ही मिला के उसको क्या, सालन के चमचे से 1-2 चमचे पानी डाली। कद्दू का भी पानी छोड़ता ना तो कद्दू का पानी छोड़ता बोल के सालन के चमचे से 2 चमचे पानी डाल के उसको कम से कम 10 मिनट छोड़ दी उसको धीमे चूल्हे पे। 10 मिनट के बाद निकाल के बता रही हूँ मैं, तो कद्दू गल गया। इसको पानी सुखाती हूँ, सुखा के बताती हूँ मैं आपको, पूरा तेज़ चूल्हे पे सुखा रही हूँ। देखिए पानी तो ये पूरा सूखा होना पानी, अगर अपन ऐसी चीज ढीला ढीला करें ना तो टेस्ट नहीं होता, अपन रोटी के साथ भी खा सकते हैं ये चावल के साथ भी खा सकते। एक कोथमीर कट्टा में धो के डाल ली देखिए इसके अंदर वो, तो कई कुबल को बोले तो कोथमीर इसमें 2 कट्टे भी डाले तो बहुत अच्छा होता होगा। देखिए लाइक और शेयर करिए फराना कुकिंग को।